नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बंजारा पॉइंट की एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्वरूप रानी हॉस्पिटल का पूरा नजारा का, तो बने रहिए इस वीडियो में, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि हमको रहना कहाँ है, खाना कहाँ है और कितने रुपए का क्या यहाँ पर भोजन मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल इलाहाबाद का एक प्रसिद्ध अस्पताल है और इस गली से हम अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं पूरा नज़ारा। दोस्तों यह इलाहाबाद मार्ग में महात्मा गांधी मार्ग सिविल लाइंस प्रयागराज में स्थित है। दोस्तों ये है उसका मेन गेट और उसके अंदर जब आप प्रवेश करते हैं तो यहाँ की पुलिस चौकी आपको दिखाई पड़ती है और इसके आगे पड़ता है पूरा अस्पताल। और यहाँ से सबसे पहले आप प्रवेश करते हैं तो आपको पंजीकरण एवं प्रतीक्षालय में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इसके बाद आपका इलाज शुरू होता है। दोस्तों यहाँ पर इलाज बहुत ही सस्ती कीमत पर होता है। सबसे प्रमुख सुविधाएं उन व्यक्तियों को दी जाती हैं जो कि या तो आयुष्मान भारत योजना के तहत उनका कार्ड हो या फिर वो BPL कार्ड धारक हों, उनके लिए सभी दवाएं यहां पर मुफ्त होती हैं। और ये पूरी न्यू बिल्डिंग्स और ये है रजिस्ट्रेशन रूम जहां पर आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके बाद इन बिल्डिंगों में आपको जाकर डॉक्टर के पास आपको सलाह लेनी है और अपना इलाज कराना है। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो आपको विभिन्न प्रकार के बिल्डिंग्स दिखाई देती हैं और पहचानना बेहद मुश्किल हो जाता है कि हमें कौन से रूम में जाना है। लेकिन डॉक्टर्स का पता आपको पहले से होना चाहिए कि आप किस डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप यदि किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो 1 रुपये का पर्चा लेकर ही जाना है। यहाँ पर बड़े बड़े हाल हैं और दो तीन बिल्डिंगों में डिवाइड होता है, कहीं पर ट्रामा सेंटर तो PMSY न्यू बिल्डिंग और ये है ओल्ड बिल्डिंग का नज़ारा। दोस्तों ये ओल्ड बिल्डिंग में यदि आप जाते हैं और आपका मरीज चल फिर नहीं पाता तो आप यहाँ रैंप के द्वारा ले जा सकते हैं। फिर इसके बाद आती है पैसे की बात, तो यदि आपके पैसे ख़त्म हो गए हैं तो आप SBI के ATM द्वारा यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। और यदि रही खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर फ्रंट गेट पर ही खाना आपको 50 रुपये थाली मिल जाता है, जिसमें लगभग 4-5 रोटियां और चावल थोड़ा सा और सब्जी दाल मिल जाती है। इसके अलावा यदि आप कंटीन का खाना लेना चाहते हैं तो वहां पर दो तरह की सब्जी और दाल और 4 रोटियां मिल जाती हैं और इलाज यहां पर बेहद सस्ता होता है। इलाज तो BPL धारकों के लिए सबसे सस्ता होता है और आयुष्मान भारत योजना के तहत उन्हें भी एकदम फ्री में ही दवाएं मिल जाती हैं सारी, लेकिन जो किसी भी योजना के तहत नहीं है, साधारण व्यक्ति हैं, उनको कुछ दवाएं बाहर से लेनी पड़ती हैं। और इसके बाद आपको मिलता है नाइट में, जैसे कि आप रुकना चाहते हैं, मन बहलाना चाहते हैं, तो एक पार्क सामने जहाँ पर आप बैठ कर लोगों के साथ बात कर सकते हैं और अपना मन हल्का कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ की सुविधा देखने को मिल जाती है लोगों के लिए। और यदि एम्बुलेंस सेवा की बात करें तो यहाँ पर 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध रहती है। आप यदि अपने मरीज को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहते हैं तो प्राइवेट ये सरकारी एम्बुलेंस से आप शिफ्ट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आज के वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।